हाय फ्रेंड्स, आज हम वोकैबुलरी वर्ड्स करेंगे जो यूज करे जाते हैं डिस्क्राइब करने के लिए एक पर्सन को या डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल को। इस वीडियो में हम जो भी वोकैबुलरी वर्ड्स करने वाले हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। इस वीडियो का फर्स्ट वर्ड है एफेबल। एफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड गुड नेचर। इट मीन्स अ पर्सन हु मेक्स यू फील वेलकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एफेबल पर्सन। जैसे कि कहते हैं शी इज एन एक्सट्रीमली एफेबल गर्ल, ये एग्जाम्पल है एफेबल का। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इट मीन्स अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है तो उसके लिए एब्स्ट्रूस वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है एक्रीमोनियस। अगर कोई पर्सन हार्श या एंग्री मूड में है तो उसके लिए एक्रीमोनियस वर्ड यूज होता है। ऑडेशियस। ऑडेशियस वर्ड उस पर्सन के लिए यूज होता है जो डेयरिंग हो या जो ऑलवेज रिस्क लेने के लिए रेडी रहे, उसके लिए ऑडेशियस वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है बोस्टफुल। बोस्टफुल वर्ड उन पर्सन के लिए यूज होता है जो हमेशा खुद की तारीफ करे। इट मीन्स हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हाउ ब्रिलियंट ही इज एंड ऑल द अमेजिंग थिंग्स ही डन। नेक्स्ट वर्ड है बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट वर्ड उस पर्सन के लिए यूज होता है जो अग्रेसिव नेचर का हो या जो हमेशा फाइट करने के लिए रेडी रहे, उसके लिए बेलीग्रेंट वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है चिक। अगर कोई पर्सन स्टाइलिश हो, एलिगेंट हो या फैशनेबल हो तो उसके लिए चिक वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है क्रेस्टफॉलन। क्रेस्टफॉलन वर्ड उस पर्सन के लिए यूज होता है जो सैड या डिसअपॉइंट हो। एग्जाम्पल है इसका After losing its last game, the team was crestfallen. Next है corpulent. Corpulent का मतलब होता है fat. Next है churlish. Churlish word उन person के लिए use होता है जो rude या unfriendly हो. Next word है delicate. Delicate word उन person के लिए use होता है जो अपने काम में बहुत ज़्यादा care दिखाते हैं. Means जो अपना काम या अपने duty बहुत ध्यान से करते हैं, carefully करते हैं, तो उनके लिए delicate word use होता है. Next है dogmatic. डोगमेटिक वर्ड उन पर्सन के लिए यूज होता है जिनके स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हो। इट मीन्स हु हैज स्ट्रॉन्ग बिलीव्स एंड डज नॉट एक्सेप्ट एनी व्यू आउटसाइड दोज बिलीव्स। नेक्स्ट है डिसीटफुल। डिसीटफुल का मतलब होता है धोखा देना, मीन्स डिच और चीट, उसका मतलब होता है डिसीटफुल। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्यूबरेंट। अगर कोई पर्सन फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट के साथ हो तो उसके लिए एक्स्यूबरेंट वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैथेटिक। इम्पैथेटिक वर्ड उस पर्सन के लिए यूज होता है जो अंडरस्टैंडिंग हो। इट मीन्स हु शो एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर। नेक्स्ट वर्ड है एफिमिनेट। एफिमिनेट वर्ड मैन के लिए यूज होता है जो बिहेव करे लाइक वुमेन या जिसकी वुमेन जैसी क्वालिटीज हो या जो वुमेन की तरह दिखता हो, उसके लिए एफिमिनेट वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस वर्ड उस पर्सन के लिए यूज होता है जो बहुत अटेंटिव हो, हर काम को बहुत केयरफुल तरीके से करे, जो कंसर्न हो अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल, उसके लिए फास्टिडियस वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रम्पी। अगर कोई पर्सन हमेशा बैड मूड में रहे या किसी के साथ बात करने में इंटरेस्टेड ना हो तो उसके लिए ग्रम्पी वर्ड यूज। नेक्स्ट वर्ड है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस वर्ड फ्रेंडली नेचर पर्सन के लिए यूज होता है जिनको अच्छा लगता है औरों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके लिए ग्रिगेरियस वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है गैरुलस। गैरुलस वर्ड टॉकेटिव पर्सन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है गॉश। गॉश वर्ड उस पर्सन के लिए यूज होता है जो ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल फील करते हैं इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल। नेक्स्ट वर्ड है होस्टाइल। होस्टाइल वर्ड उस पर्सन के लिए यूज होता है जो बिहेव करे लाइक योर एनिमी। नेक्स्ट वर्ड है इरक्सम। इरक्सम का मतलब होता है इरिटेटिंग और अनोइंग। नेक्स्ट है इम्पेक्यूनेस। इम्पेक्यूनेस वर्ड उस पर्सन के लिए यूज होता है जिसके पास मनी ना हो। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियस। जो पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग हो उसके लिए इंडस्ट्रियस वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव वर्ड इज यूज टू डिस्क्राइब पीपल हु एक्ट्स बिफोर थिंकिंग। नेक्स्ट वर्ड है जॉन्टी। अगर कोई पर्सन हैप्पी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट हो तो उसके लिए जॉन्टी वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है जोवियल।
जोवियल वर्ड हैप्पी एंड फ्रेंडली नेचर पर्सन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है जुडिशियस। अगर कोई पर्सन है जिसकी डिसीजन लेने की पावर अच्छी है, जो हमेशा सोच समझ के सही डिसीजन लेते हैं, तो उसके लिए जुडिशियस वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है लैंग्विड। लैंग्विड वर्ड उस पर्सन के लिए यूज होता है जो वीक हो या जिसके पास लिटिल एनर्जी हो। नेक्स्ट वर्ड है मेलिंगरर। मेलिंगरर वर्ड ऐसे पर्सन के लिए यूज होता है जो काम से बचने के लिए ये दिखाए कि वो बीमार है। इट मीन्स अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी इल इन ऑर्डर टू अवॉइड टू डू वर्क। नेक्स्ट वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस वर्ड फेमस और वेल नोन पर्सन के लिए यूज होता है। मीन्स जो फेमस हो अपनी बैड क्वालिटीज के कारण, उसके लिए नोटोरियस वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस वर्ड अनप्लीजेंट या रूड टाइप ऑफ पर्सन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है नोवाइस। नोवाइस वर्ड तब यूज होता है अगर कोई पर्सन न्यू या अनएक्सपीरियंस है किसी जॉब या सिचुएशन में, तो उसके लिए नोवाइस वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है प्रोडिगल। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा खर्चा करता है, स्पेंड थ्रिफ्ट है, मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बहुत ज्यादा स्पेंड करता है विदाउट टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर, तो उसके लिए प्रोडिगल वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है क्वेंट। अगर कोई पर्सन ओल्ड फैशन्ड है, अट्रैक्टिव है, तो उसके लिए क्वेंट वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्टबन। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। जो पर्सन जिद्दी होता है, जिसके ओपिनियन को हम चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए स्टबन वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है सेरेनिटी। इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग काम और पीसफुल। अगर कोई पर्सन काम एंड पीसफुल स्टेट में है, तो उसके लिए सेरेनिटी वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है सेंग्विन। सेंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव। नेक्स्ट वर्ड है वेन। वेन वर्ड इज यूज्ड फॉर दोज हु लव्स लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर। नेक्स्ट है वैग्रेंट। वैग्रेंट वर्ड तब यूज होता है जब एक पर्सन विदाउट सेटल्ड हो, मीन्स जिसके पास होम ना हो, हु वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट है वोसीफेरस। वोसीफेरस वर्ड उस पर्सन के लिए यूज होता है जो एक्सप्रेस करते हैं अपने ओपिनियंस को लाउड वॉइस में। नाउ हम सारे वर्ड्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये वर्ड्स लर्न हो जाएं। फर्स्ट वर्ड था एफेबल। एफेबल वर्ड फ्रेंडली एंड गुड नेचर पर्सन के लिए यूज होता है। इट मींस अ पर्सन हु मेक्स यू फील वेलकम इज एन एग्जांपल ऑफ एफेबल पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रूस। जिस पर्सन को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो, उसके लिए एब्स्ट्रूस वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है एक्रीमोनियस। अगर कोई पर्सन हार्श या एंग्री मूड में है, तो उसके लिए एक्रीमोनियस वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है ऑडेशियस। डेयरिंग पर्सन के लिए ऑडेशियस वर्ड यूज होता है, जो हमेशा रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है, उसके लिए ऑडेशियस वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है बोस्टफुल। बोस्टफुल वर्ड इज यूज्ड फॉर दोज हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हाउ ब्रिलियंट ही इज एंड ऑल द अमेजिंग थिंग्स ही डन। नेक्स्ट है बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट वर्ड अग्रेसिव नेचर पर्सन के लिए यूज होता है, जो हमेशा फाइट करने के लिए रेडी रहता है। नेक्स्ट है चिक। चिक वर्ड स्टाइलिश, एलिगेंट या फैशनेबल पर्सन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है क्रेस्टफॉलन। क्रेस्टफॉलन का मतलब होता है सैड और डिसअपॉइंटेड। इसका एग्जांपल है आफ्टर लूजिंग इट्स लास्ट गेम द टीम वाज क्रेस्टफॉलन। नेक्स्ट है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है फैट। नेक्स्ट है चर्लिश। चर्लिश वर्ड अनफ्रेंडली एंड रूड नेचर पर्सन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है डेलिगेंट। डेलिगेंट वर्ड ऐसे पर्सन के लिए यूज होता है जो अपना काम बहुत केयरफुल तरीके से करता है। नेक्स्ट है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक वर्ड इज यूज फॉर दोज हु हैज स्ट्रॉन्ग बिलीव्स एंड डज नॉट एक्सेप्ट एनी व्यू आउटसाइड दोज बिलीव्स। नेक्स्ट है डिसीटफुल। डिसीटफुल वर्ड ऐसे पर्सन के लिए यूज होता है जो किसी को डिच या चीट करे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सुबेरेंट। एक्सुबेरेंट वर्ड ऐसे पर्सन के लिए यूज होता है जो फुल ऑफ एनर्जी में रहे एंड एक्साइटमेंट में रहे। नेक्स्ट है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक वर्ड इज यूज फॉर दोज हु शो एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर। नेक्स्ट है एफिमिनेट।
एफिमिनेट वर्ड एक मैन के लिए यूज होता है जो बिहेव करे लाइक वुमेन. नेक्स्ट वर्ड है फास्टिड्यूस. फास्टिड्यूस वर्ड ऐसे पर्सन के लिए यूज होता है जो बहुत अटेंटिव हो, हर चीज को बहुत ध्यान से करे, एक्यूरेसी एंड डिटेल पे बहुत ध्यान दे. नेक्स्ट है ग्रम्पी. ग्रम्पी वर्ड इज यूज फॉर दोज पर्सन हु इज ऑलवेज इन अ बैड मूड एंड डज नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद यू. नेक्स्ट है ग्रीगेरियस. ग्रीगेरियस वर्ड फ्रेंडली नेचर पर्सन के लिए यूज होता है जिनको अच्छा लगता है लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना. नेक्स्ट वर्ड है गैरुलस. गैरुलस वर्ड टॉकेटिव पर्सन के लिए यूज होता है. नेक्स्ट है गोश. गोश वर्ड इज यूज फॉर दोज हु आर ऑकवर्ड एंड अनकंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल. नेक्स्ट है होस्टाइल. होस्टाइल वर्ड ऐसे पर्सन के लिए यूज होता है जो बिहेव करे लाइक योर एनिमी. नेक्स्ट वर्ड है इरक्सम. जिसका नेचर इरिटेटिंग या अनोइंग हो उसके लिए इरक्सम वर्ड यूज होता है. नेक्स्ट है इम्पेक्यूनेस. इम्पेक्यूनेस वर्ड ऐसे पर्सन के लिए यूज होता है जिसके पास मनी ना हो. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियस. हार्डवर्किंग पर्सन के लिए इंडस्ट्रियस वर्ड यूज होता है. नेक्स्ट है इम्पल्सिव. इम्पल्सिव वर्ड इज यूज टू डिस्क्राइब पीपल हु एक्ट्स बिफोर थिंकिंग. नेक्स्ट वर्ड है जॉन्टी. जॉन्टी वर्ड ऐसे पर्सन के लिए यूज होता है जो शो करे कि वो हैप्पी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट है. नेक्स्ट है जोवियल. जोवियल वर्ड हैप्पी एंड फ्रेंडली नेचर पर्सन के लिए यूज होता है. नेक्स्ट है जुडिशियस. जुडिशियस वर्ड उसके लिए यूज होता है जो अच्छे डिसीजन ले, सोच समझ के डिसीजन ले. नेक्स्ट वर्ड है लैंग्विड. वीक एंड लिटिल एनर्जी वाले पर्सन के लिए लैंग्विड वर्ड यूज होता है. नेक्स्ट है मिलिंग्र. अगर कोई ऐसा पर्सन है जो काम से बचने के लिए ये शो करे कि वो इल है, बीमार है, तो उसके लिए मेलिंगर वर्ड यूज होता है. नेक्स्ट है नोटोरियस. नोटोरियस वर्ड फेमस और वेल नोन पर्सन के लिए यूज होता है जो फेमस हो अपनी बैड क्वालिटीज के लिए. नेक्स्ट वर्ड है ऑब्नोक्शियस. रूड नेचर पर्सन के लिए ऑब्नोक्शियस वर्ड यूज होता है. नेक्स्ट है नोवाइस. अगर कोई पर्सन न्यू है या अनएक्सपीरियंस्ड है किसी जो भी सिचुएशन में, तो उसके लिए नोवाइस वर्ड यूज होता है. नेक्स्ट है प्रोडिगल. अगर कोई पर्सन ज्यादा खर्चा करने वाला है तो उसके लिए प्रोडिगल वर्ड यूज होता है. नेक्स्ट वर्ड है क्वेंट. अट्रैक्टिव एंड ओल्ड फैशन पर्सन के लिए क्वेंट वर्ड यूज होता है. नेक्स्ट है स्टबन. जिद्दी पर्सन के लिए स्टबन वर्ड यूज होता है जिसके ओपिनियन को हम चेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट है सेरेनिटी. काम एंड पीसफुल स्टेट के लिए सेरेनिटी वर्ड यूज होता है. नेक्स्ट है सैंग्विन. ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव पर्सन के लिए सैंग्विन वर्ड यूज होता है. नेक्स्ट वर्ड है वेन. वेन वर्ड इज यूज फॉर दैट पर्सन हु लव्स लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर. नेक्स्ट है वेग्रेंट. वेग्रेंट वर्ड ऐसे पर्सन के लिए यूज होता है जो विदाउट सेटल्ड हो, जिसके पास होम ना हो, जो भटकता रहता हो इधर उधर. नेक्स्ट है वोसीफेरस. वोसीफेरस वर्ड इज यूज फॉर दैट पर्सन हु एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस इन अ लाउड वॉइस. सो फ्रेंड्स, जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं एक पर्सन को डिफाइन करने के लिए, उसकी पार्ट फर्स्ट वीडियो यहाँ खत्म होती है. मैं जल्दी ही पार्ट टू वीडियो डाल दूंगी. इस चैनल की कोई भी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल का बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दें. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना. थैंक यू.